आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग्स बहुत कम आ रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है आजकल। हम अहमदाबाद गुजरात रहते हैं तो वहाँ थोड़ा काम वाम करते हैं, थोड़ा कम ही करते हैं काम तो, पर फिर भी टाइम बहुत कम मिल पाता है ब्लॉग बनाने का। बाकी हम आ गए हैं एक और नए ब्लॉग लेके, और इस ब्लॉग के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम लेने जा रहे हैं हमारी बाइक की डिलीवरी। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है मेरी दीदी की तरफ से, उससे भी आपको अभी मिलवाते हैं। और ये बाइक मेरी लाइफ की पहली बाइक है, और मुझे बाइक्स में कम इंटरेस्ट है वैसे तो, गाड़ियों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, कार्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, पर ये एक हमारी जरूरत है इस बार, इच्छा से ज्यादा जरूरत का है, क्योंकि अहमदाबाद में हमारे पास कुछ व्हीकल नहीं है इधर उधर होने के लिए, तो हमें व्हीकल की आवश्यकता है। और आज हम ये गाड़ी राजस्थान में ले रहे हैं, घर ले रहे हैं। कल आए हैं हम अहमदाबाद से फ्लाइट लेके सीधा यहाँ पर, ताकि आज डिलीवरी ले सके, और वहां भी डिलीवरी ले सकते थे, बट उसके लिए मैंने सोचा कि जिस जो मेरे को गाड़ी दिला रहा है वो मेरे साथ होना चाहिए, मतलब जो दिला रहा है एटलीस्ट वो तो साथ में हो, दिखाने का प्रयास करूंगा जितना ज्यादा हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, बाइक की डिलीवरी लेते हैं, और द मोस्ट वायरल बाइक हम डिलीवरी लेते हैं उसकी, चलिए चलते हैं। ओए हेलो कर दो। जय हिंद। इसके बाल बहुत गंदे लग रहे हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं कि कितने गंदे बाल लग रहे हैं। मम्मी जी हेलो, जय हिंद। बिट्टू भैया जय हिंद। अब बिट्टू भैया हमारे कैमरामैन भी बनेंगे, हमारे बाइक राइडर भी बनेंगे, सब बनेंगे। चलो हाजी दोस्तों, तो एक और बात बताता हूँ, मेरा जूते दिखा दो एक बार इनको। आज हमने बहुत ऐसे बढ़िया वाले जूते पहने हैं प्यूमा के, जो हमने अभी मंगाए थे, और हमने एक यूएस पोलो की टी शर्ट पहनी है। सब कुछ नया नया है, क्योंकि नई नई चीज़ लेने आया तो सब कुछ नया नया पहन के आए। तो चलते हैं अभी शोरूम भी चलते हैं, घर वाले पहले घुस गए हैं, मैं घुसा नहीं हूँ। और आज तक हमेशा ऐसा हुआ है कि मैंने ऑनलाइन ही गाड़ी बुक कराई है, कभी भी ऑफलाइन जाके बुक ही नहीं करवाई, मतलब करवाई थी जो मिली नहीं। तो पंच भी हमने ऑनलाइन ही कराई थी, पैसे ऑनलाइन भेजे थे, इसका भी ऑनलाइन भेजा। पहली बार शोरूम विजिट कर रहा हूँ मैं, एडवांस पेमेंट हो चुका है, बाकी पेमेंट बाकी है। पर आओ दिखाता हूँ शोरूम भी दिखाता हूँ। पेमेंट कर दिया है, बाकी जितने भी जो डिटेल्स विटेल्स ये मांग रहे थे, डॉक्यूमेंट्स देने थे, वो दे दिए हैं। तो अभी जाते हैं गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं, क्योंकि इसको छोड़ने जाने का है कहीं पे, तो उसको कहीं छोड़ के आते हैं, उसके बाद गाड़ी के अच्छे से थोड़ा टाइम से लेते हैं, क्योंकि इसको जल्दी हो रही है। तो फटाफट डिलीवरी लेते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो कहाँ जाने का विचार है तेरा, कहाँ जा रही है इसके बाद? इसके बाद में कहाँ जा रही है? अमृतसर फिर धर्मशाला, यहाँ भी मैं गया था, है? फिर मैक्लोरगंज, फिर बिरबिलिंग, देन घर। तो ये हमारा वाला, ये शुरुआत वाला धर्मशाला तक तो हुए, धर्मशाला में स्टे है ना? हाँ, वहाँ बहुत अच्छा व्यू आता है। बिरबिलिंग में तूने पैराग्लाइडिंग की थी ना? हाँ, बिरबिलिंग में नहीं करी, बिरबिलिंग में सबसे अच्छी होती है, मैंने कुल्लू में करी थी, वहाँ पे एक घंटे की होती है लगभग। चल ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। छोटी सी राइड पे एक बार चला के आता हूँ, उसको कैसा लग रहा है, पूरा माहौल कैसा है गाड़ी का, तो चला के देख के आता हूँ। Whispers, not through phones. When I look at you, I know.
हाँ जी, तो गाड़ी 80 किलोमीटर चल के आ चुकी है अपनी, हमारे बिट्टू भैया चला के ले आए हैं गाड़ी को। तो मस्त बिट्टू भैया का एक्सपीरियंस अभी लेते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से क्लोजली मैं आपको गाड़ी दिखा दूँ। ये देखो ऐसी ये गाड़ी दिखती है, और आई होप कि आपको पसंद आएगी। हमारी गाड़ी का नाम है हंटर 350 रॉयल एनफील्ड, और यही कलर हमें लगाना था और यही टॉप मॉडल था। इसके अंदर दो एसेसरीज है, एक तो ये लेग गार्ड होता है और एक सम गार्ड होता है, वो पीछे जो होता है इंजन नीचे लगता है इंजन के लिए, तो मैंने दो ही एसेसरीज लगवाई। आगे जो एक शेड लगती है ऊपर, वो मेरे को पसंद नहीं है तो वो मैंने लगवाई नहीं। तो ऐसी कुछ अपनी गाड़ी दिख रही है, तो आप देख लीजिए। बाकी और भी रिव्यूज़ हम इसके देंगे। ऐसा कुछ इसका मीटर दिखता है, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से मीटर है। गियर भी दिखाता है ये, फ्यूल भी दिखाता है और कितना किलोमीटर चल गई है, तो ये सब कुछ दिखाता है। तो ऐसे ही कुछ हमारी हंटर 350 लग रही है। हाँ जी बिट्टू भैया, तो कैसा लगा? आपने 80 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, मैंने तो अभी तक मान लो 2 किलोमीटर पे गाड़ी नहीं चलाई, आपने 80 किलोमीटर चलाई, कैसा फील लगा गाड़ी का? भाई अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो ना बाइक लेने का, तो एक बार इस गाड़ी को जरूर ट्राई करें। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ प्लान चेंज कर सकते, प्लान चेंज कर सकते हैं। बिट्टू भैया ने कभी ये गाड़ी के बारे में पहले टेस्ट ड्राइव ली थी क्या? नहीं ली थी इन्होंने, ना तो टेस्ट ड्राइव ली थी, ना कभी इसको गाड़ी को चलाया था। पहली बार हाथ लगाया खुद ही अपनी की, अपनी गाड़ी है और अपनी गाड़ी को हाथ लगाया चलाया, और इनको बड़ा मज़ा आ गया क्योंकि रॉयल एनफील्ड की अभी तक की ये ऐसी पहली गाड़ी है जो इतनी हल्की है और इतनी कंट्रोल हो जाती है गाड़ी, और ऊपर से 350 cc है तो पावर इसमें भर भर के है, 120 प्लस। अब देख लो नई गाड़ी को 120 भगा के लाया अभी। मैं गाड़ी से कार से इनको पकड़ नहीं पा रहा था, इतना तेज ये गाड़ी चला रहे थे, कोशिश कर रहा था पकड़ने की पर आ नहीं रहे थे। तो यही एक नॉर्मल सा हमारा ब्लॉग था, हमारी पहली बाइक खरीदने का और पहली बाइक की डिलीवरी लेने का। तो ऐसा कुछ हमारा व्लॉग बना, आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और इस गाड़ी के बारे में और भी बहुत वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। सबसे बड़ा टास्क होने वाला है इस निवाई से इस गाड़ी को अहमदाबाद ले जाने के लिए, क्योंकि अहमदाबाद में हमारे को काम आने वाली है, पर वो जैसे भी जो भी जैसे भी करेंगे, फिलहाल कुछ दिनों के लिए गाड़ी यहीं रहने वाली है। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स कीजिए कि हमारी नई बाइक वाला व्लॉग कैसा लगा। आगे भी हंटर 350 के और भी बहुत वीडियोस बनाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।